तो विराट कोहली जो है वो बाबर से कई दर्जे बेहतर है, और बाबर को खामखा ही विराट कोहली से कंपेयर किया जाते हैं, ये कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। अच्छा, तो ये इनको चाहिए कि ये कैप्टनसी छोड़ दें और किसी और को दें, फिर खेले शायद अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाएगा। अभी जब से कैप्टन बने हैं तो ये नहीं कर पा रहे, परफॉर्म नहीं कर। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा, रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे बाबर आजम वर्सेज विराट कोहली। डेफिनेटली सी बात है, लोगों का वोट हमेशा विराट कोहली की तरफ जाता है, एंड पाकिस्तानी पीपल ऑलवेज थिंक के विराट और बाबर आजम का कंपैरिजन नहीं बनता। बात रही चैंपियन ट्रॉफी 2025 की, तो पाकिस्तान अभी तक कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी का सेहरा अपने सर पर बांध कर बैठा हुआ है। ऐसा ना हो कि कहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा आए और ट्रॉफी उठाकर अपने मुल्क में वापस ले जाए। तो आइए पाकिस्तानी वाम से चीज की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बिल्कुल ठीक ठाक। सर, बात करेंगे बाबर आजम वर्सेज विराट कोहली, आपको क्या लगता है कि लेजेंडरी बैट्समैन की बात करें तो विराट कोहली का नाम सबसे पहले लिया जाता है, बाबर आजम कम्पीट कर पाते हैं विराट कोहली को? यार देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस को देखें ना, तो विराट कोहली बाबर से कई दर्जे बेहतर है। अभी बाबर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और क्लास का भी डिफरेंस है, ठीक है। और जो विराट कोहली है ना, वो प्रेशर हैंडल अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन बाबर नहीं कर सकता, तो बहुत डिफरेंस है क्लास का। लेकिन बाबर हमारा पाकिस्तानी प्लेयर है, तो हम उसको ज़रूर एडमायर करते हैं। बिल्कुल बात आपकी सही, हमारा पाकिस्तानी प्लेयर है, एक ही है बेचारा हमारे पास, उसको एडमायर करना तो बनता है, और कोई टीम में नज़र भी नहीं आता हमें। क्या लगता है आपको कि चैंपियन ट्रॉफी है 2025, विराट कोहली डेफिनेटली चैंपियन रह चुके हैं और चैंपियन कह लें कि T20 वर्ल्ड कप उठवाया उन्होंने लास्ट मैच अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बाबर आजम की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, क्या एक्सपेक्टेड है कि अगर ऐसा हुआ पाकिस्तान के होम ग्राउंड में ही चैंपियन ट्रॉफी इंडियंस उठा के ले गए तो? नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान ले जाएगा, होम ग्राउंड एक एडवांटेज है पाकिस्तान को। एडवांटेज इंडिया को भी था, एडवांटेज इंडिया को भी था, लेकिन आज से कोई भी अपने होम ग्राउंड में नहीं जीती, चाहे वेस्ट इंडीज है चाहे कह लें कि इंडिया है। देखें, इंडिया जो है ना वो फाइनल में आके लड़ खड़ा गया थोड़ा सा, लेकिन वो पहले अच्छा खेल रहा था इंडिया ना, फाइनल में आके थोड़ा सा चौक कर गया, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान को एक एडवांटेज है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, हमारी दुआएं हैं तो हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारी टीम ऐसी दुआओं से चलती है, अदरवाइज हमारे प्लेयर्स से चलना पसंद नहीं करते। कवर ड्राइव के लिहाज से क्या एक्सपेक्टेड है विराट या बाबर? कवर ड्राइव के लिहाज से मैं कहता हूँ दोनों ही बेहतर है। विराट कोहली की अगर आप बात करिए ना, तो विराट कोहली जो है वो बाबर से कई दर्जे बेहतर है, और बाबर को खामखा ही विराट कोहली से कंपेयर किया जाते हैं, ये कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। विराट कोहली भी बेहतर प्लेयर हैं, बाबर भी बेहतर प्लेयर हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम है कि वो खामखा ही किसी इंसान को ना अपना अबू बना लेती है, तो इसी तरह ही बाबर को भी इन्होंने अपना अबू बनाया, तो मेरे ख्याल से ये बनता नहीं है। विराट कोहली और बाबर का कंपैरिजन क्लास का डिफरेंस है, एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, और विराट कोहली बाबर से कई दर्जे बेहतर है। आप वो देखें ना 2022 में किस तरह वर्ल्ड कप, अब वो बाबर नहीं जितवा सकता, तो वो विराट कोहली की एक क्लास। बाबर टीम में क्या कर रहे हैं अगर वो टीम को जितवा नहीं सकते? बिकॉज विराट का तो समझ में आता है कि बड़े मैच का प्लेयर है, अच्छा खेल लेता है, आके जब जरूरत पड़ती है तो बल्ला चल भी जाता है, यहाँ जरूरत पड़ती है तो बल्ला नहीं चलता। नहीं देखें, बाबर के अलावा आपकी टीम में और कौन है? यही तो मैंने पहले कहा है, बाबर के अलावा आपकी टीम में कोई है ही नहीं। बाबर पाकिस्तानी टीम का एक अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान टीम का लेजेंड है, दुनिया के लेजेंड नहीं है, दुनिया के लेजेंड जो है वो आप विराट कोहली कह सकते हैं, आप सचिन तेंदुलकर कह सकते हैं, लेकिन बाबर को दुनिया के लेजेंड नहीं बनाया जा सकता। बाबर पाकिस्तानी प्लेयर है, पाकिस्तान का लेजेंड है, दुनिया का लेजेंड लोकली है, हाँ लोकली आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें ना, बाबर ओपनिंग करते हैं, बाबर आउट हो जाते हैं, तो पाकिस्तान टीम पीछे से सारे ही आ जाते हैं, कोई पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर है ही नहीं कि जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वही बाबर आजम, यही पाकिस्तान का ही लेजेंड है, दुनिया का लेजेंड नहीं है, आप इसको दुनिया के लेजेंड्स के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, हिस्ट्री में लिखवा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल लिखवा देना चाहिए, अभी वैसे ही बाबर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरा ये है कि बाबर ने कैप्टेंसी करके ना अपना करियर की वैसे ही माबहन नहीं कर दी, अगर वो कैप्टेंसी ना करता तो शायद जहाँ पर आज बाबर है ना वहाँ पर शायद ना होता, ये भी रीज़न है। अब उसे मैं तो यही कहूँगा कि अब कैप्टेंसी छोड़ दें, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर दोबारा जलील होना है, दोबारा ख्वार होना है, दोबारा आ जाए, इतना जलील हो गया है, तो इंसान में अगर इज्जत है, थोड़ी सी इज्जत है, नफ्स है, तो उसको छोड़ देनी चाहिए, लेकिन कह सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। बाबर देखें जलील हुए T20 में लास्ट, अब देखें ODI इंडिया में जाकर कितने जलील हुए, छोड़ देनी चाहिए, तो हमारी किस्मत में है वो जलालत तो किस्मत में है इसलिए, लेकिन फिर भी इंसान को ना ट्राई करना चाहिए, लेकिन बेस्ट ऑफ लक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि 2017 के बाद चैंपियन ट्रॉफी नहीं हुई, अब 2025 में होने जा रही है, और पाकिस्तान ही कह लें कि अभी तक चैंपियन ट्रॉफी का जो सेहरा है अपने सर पर बांध के बैठा है, इंडिया छीन के ले गया तो?
देखें फिर तो बहुत बड़ी एक हमारे लिए जलालत है, लेकिन ये है कि अगर कोई टीम जीत रही है ना तो हमें उसे एडमायर करना चाहिए। हमें देखें जो अच्छा खेलता है ना तो वही जीतते हैं, जो भी अच्छा जो अच्छा खेलते हैं जो मेहनत करते हैं वही जीतते हैं। अगर हमारी टीम मेहनत कर रही है तो इंशाल्लाह जीतेगी, अल्लाह पाक मेहनत का सिला देगा। तो अगर इंडिया वाले कर रहे हैं, जो भी टीम्स आ रही हैं वो मेहनत कर रही है, अगर वो जीत रही हैं तो हमें उन्हें एडमायर करना चाहिए, ये हंस जलसी वगैरह नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक ठाक सर। बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली, क्या लगता है वो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैट नज़र आता है, एंड अगर देखा जाए तो किसकी इनिंग्स देखने में ज़्यादा मज़ा आता है? अगर देखा जाए तो मैं तो खुद दोनों का बड़ा फैन हूँ, दोनों को देखता हूँ, लेकिन कोहली कोहली है भाई। कोहली के साथ जो शाटे है, जो टेक्निक है उसकी, तो मेरे ख्याल से वो दुनिया का नंबर वन बेस्ट है। बिल्कुल आपकी बात सही। आपने कहा कि कोहली जिस तरह से शॉट्स लगाता है, जिस तरह से कह लें कि उसकी बैटिंग लाइन लेंथ जाती है, मज़ा आता है। अच्छा मैच फिनिशर है वो, मैच फिनिशर है बाबर है। मैं बाबर नॉट आउट बहुत अच्छा, टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है, दुनिया का नंबर वन है, लेकिन मैच विनर वो मुझे नहीं लगता ना। और मैच फिनिशर है ना, मैच विनर है। जी जी। और जो कोहली है उसमें ये क्वालिटी है कि वो मैच फिनिशर भी है, मैच विनर भी है, तो मेरे ख्याल से कोहली ज़्यादा बेहतर है। कोहली डेफिनेटली बेहतर है। T20 फॉर्मेट से कोहली ने अलविदा कह दिया है, एंड ODI और टेस्ट मैचेस के अंदर वो हमें दिखाई देते हैं। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन तीनों फॉर्मेट को टेस्ट की तरह क्यों खेलते हैं? जाहिर बात है बाबर पाकिस्तान के साथ और कोई ऐसा मेरे ख्याल से बैटर नहीं है। बाबर को स्कोर भी करना पड़ता है और विकेट भी रहना चाहते हैं, तो ये है कि जैसे वो आउट होते हैं तो बाद में ना कोई स्कोर करते और विकेटें भी चले जाते हैं, तो पाकिस्तान के हिसाब से टीम के हिसाब से वो सही खेलते हैं, अपने लिए भी खेलते हैं, मतलब टीम के लिए भी खेलते हैं, लेकिन ये है कि बाद में कोई साथ नहीं देते, क्योंकि एक बाबर से तो कुछ नहीं होता ना। अगर इंडिया की टीम में देखा, बाबर से कुछ नहीं होता, वहाँ पर विराट अगर पिच पर खड़े हो जाएं तो एंड तक मैच लेकर जाते हैं ऐसे ही। और दूसरी बात यह कि इंडिया के साथ एंड तक है बेटर, मतलब अगर कोहली कुछ ना भी करे तो उसके आठवीं तक उसके साथ सारे कोहली है, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक बाबर है, बाबर जैसे क्या कोई नहीं है ना। क्या एक्सपेक्ट है यहाँ पर? बाबर है, फ़खर जमान है, रिजवान है, इफ्तिखार चाचा है, और पता नहीं कौन कौन से हैं हमारे पास है, लेकिन चलते दिखाई देते हैं। इंडिया के स्टार्टअप में ही देख लें आप, जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली आते हैं वही टीम पूरी कर जाते हैं। देखिए उनके साथ हर एक कोहली भी है, हर एक शर्मा भी है, वो उन्हें टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं, टाइम देते, उसको चांस देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये एक सिलसिला ऐसे जो निज़ाम इधर है, मतलब ये अगर इधर परफॉर्म नहीं करे ना तो ये शाइन में आ जाते हैं, शाइन में परफॉर्म करे तो टीम में आ जाते हैं ना, तो ये एक सर्कल है, घुमाते रहते, नए प्लेयरों को चांस उस तरह नहीं देते। अगर इधर कोई नए प्लेयर ट्राई करे, नए लोगों को चांस मिले ना, तो टीम में बेहतरी आ सकती है, लेकिन एक सर्कल चल रहा है। अगर ये सर्कल ख़त्म हो जाए, क्रिकेट से सियासत ख़त्म हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का टीम बहुत बेहतर हो जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, 2025 पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, क्या एक्सपेक्टेड है? 1 मार्च को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ज़्यादा तगड़ी टीम कौन नज़र आएगी पाकिस्तान के स्टेडियम के अंदर? जी अल्लाह कह रहे पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी विन करे, लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ही चैंपियन ट्रॉफी विनर है। जी जी, लेकिन इस दफा मुझे इस तरह नहीं लग रहा, क्योंकि एक तो व्यक्ति भी नहीं हो जाएंगे, स्टेडियम भी नया करवा रहे हैं मेरे ख्याल से ना, तो दूसरे कि बाहर से जो टीम ही आ रही है ना, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अभी इंडिया देखे, अगर देखा जाए उन्होंने पिछला वर्ल्ड कप भी जीते है और एशिया कप वगैरह सब कुछ वो जीत रहे हैं ना, तो बड़े कॉन्फिडेंस में, और उसके साथ टैलेंट है, सारे प्लेयर फिटनेस लिहाज से सब लिहाज से ठीक है। पाकिस्तान में ये है कि भाई अभी मेरे ख्याल से फिटनेस पर तवज्जो थोड़ा सा दे दिया ना, इनकी फिटनेस है ना, इनकी फील्डिंग है, आके ना बस इधर सो जाते हैं, बर्गर शर्गर खा के भाई तैयार नेट पे आ जाते हैं, अगर बैटिंग मिल गया सही है, बॉलिंग मिल गया वरना चले जाते हैं नींद करते, तो इस तरह क्रिकेट थोड़ी खेले जाते हैं भाई, क्रिकेट के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। ये स्टार बन के आगे जाके टिकटॉक बना देते हैं या एशिया करते, तो भाई ये हमारा पाकिस्तान का टीम है, आप लोगों के बाप का टीम नहीं है, अपने मेहनत करो, पाकिस्तान के लिए खेलो, हाँ यानी प्लेयरों को चांस दे दो यार, किसी का क्यों मार दो, तो ये चीज़ इधर बहुत गलत है, इस चीज़ पर मैं स्ट्रक्चर से बहुत खफा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने? बिल्कुल ठीक ठाक सर। बात करेंगे बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली, जिस तरह से विराट कोहली की परफॉर्मेंस है, बाबर आजम की, आपको क्या लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए कौन ज़्यादा फिट नज़र आ रहा है? जहाँ तक मुझे लगता है, जो इनका हिसाब किताब चल रहा है पाकिस्तान का, तो मुझे तो बेहतर यही लगता है कि इंडिया ही, विराट ही जो बेस्ट जा रहे हैं फिलहाल, तो बाबर का तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है इनका, क्योंकि पीछे भी है इसी तरह
बहुत गंदी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, 10-12 भी आउट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता जहाँ तक ये हिसाब है इनका ये कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, आपकी बात ये है कि पाकिस्तानी टीम में कुछ भी कह लें कि कंफर्म नज़र नहीं आ रहा, ना कप्तान के लिहाज से, ना कह लें कि बाबर आजम फिटनेस के लिहाज से भी जीरो हमारी टीम पाकिस्तानी टीम नज़र आ रही है। आपने अर्शद नदीम देखा होगा, जिस तरह से कह लें कि उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल रिसीव किया है, इतना मतलब कि पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज हो रही है। यहाँ पर हमारी क्रिकेट भी कह लें कि यही चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो भी मैच होता है वो सबसे ज़्यादा हाइस्ट अर्निंग मैच होता है, लेकिन मैच हमेशा इंडिया जीत जाता है। देखें, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान भी, जैसे अर्शद नदीम ने हमारे लिए नाम रोशन किया हमारे पाकिस्तान का, तो अल्लाह पाक उनको और कामयाबी दे, इसी तरह हमारा नाम रोशन करें। तो बाकी हर बार पाकिस्तान से भी उम्मीद होती है हमें कि यार इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन वो अल्लाह पाक को शायद ये कबूल ही नहीं है कि हमारा पाकिस्तान जीत सके। बाकी दुआ ही है कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता करे और ये चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास आए। टी20 फॉर्मेट से कहले विराट कोहली अपना अलविदा कह चुके हैं, बाकी ओडीआई एंड कहले कि उनके पास बच गया है टेस्ट फॉर्मेट। बाबर आजम यहाँ पे तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन हर मैच कोई टेस्ट मैच बना खेल लेते हैं। ये पहले नंबर पर तो ये बात है कि इनका कोई हिसाब नहीं है, ये पूरी टीम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे बाबर आजम। जब से इन्होंने कैप्टनसी ली है इनसे खेला ही नहीं जा रहा है अच्छी तरह से, तो मेरे ख्याल से तो ये इनको चाहिए कि ये कैप्टनसी छोड़ दें और किसी और को दें, फिर खेले शायद अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाएगा। फिर जब से कैप्टन बने हैं तो ये नहीं कर पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे अच्छा, तो मेरा ख्याल यही है कि इनको कैप्टनसी छोड़ के तो इनको वैसे किसी और को कैप्टन बनाना चाहिए ताकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। आप पीछे परफॉर्मेंस दे लें, इनकी काफ़ी बेस्ट है और ये नंबर वन प्लेयर पर भी रह चुके हैं T20 रैंकिंग में, तो अब इनको यही है कि कैप्टनसी छोड़ के तो किसी और को देनी चाहिए, फिर शायद इनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आ जाएगी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली, क्या एक्सपेक्टेड है, कौन ज्यादा अच्छा बैट्समैन है? बाबर आजम ज्यादा अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन बाबर आजम तो कहीं पर खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। जब से कह लें कि T20 से USA के खिलाफ भी हम लोग इतना गंदा हारे हैं, वो बंदा 14-15 से ऊपर जाता ही नहीं है। बात ऐसे है कि जब हीरो की एंट्री होती है लेट ही होती है, ज़बरदस्त होती है। इतनी लेट होती है जब अगले वाले कब्र में चले जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह आएंगे, ज़बरदस्त एंट्री होगी उसकी है, क्योंकि वो खेलता ही बहुत अच्छे हैं। विराट कोहली की बात करते हैं, लास्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, T20 का चैंपियन बना दिया विराट कोहली ने अपनी टीम को। वैसे बाबर आजम भी बना सकते, वो उसकी अपनी खेल है। बाबर आजम भी बना सकते, कैसे बनाएगा, मतलब ना वो T20 में चल रहे ना वो ODI में चल रहे, टेस्ट के अंदर उसको पता है कि आराम से खेलो, चिल होकर खेलो, कोई जल्दी नहीं है, बस वो एक फायद फॉर्मेट है जिसको खेलना आता है। नहीं, इंशाल्लाह खेलेंगे, अभी फिलहाल तो खेलेंगे, अभी तो उसको मौका नहीं मिलेगा, अभी मौका जब मिलेगा ना फिर अच्छी तरह खेलेगा। वो तो उसके करोड़ों फैन है बाबर आजम के, विराट कोहली से बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, चैंपियन ट्रॉफी है पाकिस्तान के अंदर, क्या लगता है आपको कि जितना विराट कोहली अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाबर आजम अपने होम ग्राउंड में जितवा पाएगा ट्रॉफी? बिल्कुल, क्यों नहीं जितवाएंगे, लेकिन पाकिस्तान आजकल सबसे टॉप जा रहे हैं, अभी भी ये कल पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला, वो बेचारे ने अपनी मेहनत पे गोल्ड मेडल लिया। इंशाल्लाह बाबर आजम को भी मिलेगा। बाबर आजम को तो सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, इसके बावजूद वो बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बस उसकी अपनी मर्जी होती है, इंसान की अपनी मर्जी होती है, मतलब अपनी मर्जी से चलना है उसने, बस टीम ने भी चलाना होता है, खुद भी अपनी मर्जी चलानी होती है। विराट कोहली है, बाबर आजम कवर ड्राइव किसकी अच्छी है? बाबर आजम की। मैच फिनिशर कौन है, बाबर आजम या विराट कोहली? बाबर आजम। थैंक यू सर। ये थी पाकिस्तानी वाम की राय, आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।